नवाबगंज भतपुरा ब्लॉक के ग्राम किशनपुर कुइया में लोगों ने आप प्रत्याशी एवं पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार को ग्राम में बुलाकर एक सभा आयोजित की, जिसमें लोगों में बेहद उत्साह था। आम आदमी पार्टी की नीतियों को समझने का, जिसके तहत एडवोकेट सुनीता गंगवार ने अरविंद केजरीवाल की नीतियों को जनता के सामने रखा। 300 यूनिट यूपी में बिजली फ्री व बकाया बिलों को खत्म किए जाने व किसानों को मुफ्त बिजली देना नीतियों को बताते ही लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति आस्था गहरा गई और लोगों ने पूरे उत्साह के साथ सुनीता गंगवार को संकेत दिया। इस बार नवाबगंज विधानसभा पूरी तरह से बदलाव के लिए तैयार है, सारी पार्टियों को देख चुकी है। इस बार आम आदमी पार्टी का चुनाव करेगी और सुनीता गंगवार को अपने गांव से विजयी बनाकर भेजेगी। लोगों ने आगे से आगे बढ़कर बिजली के फार्म भरवाए व गांधी कार्ड पाने की होड़ सी लग गई और लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। लोगों ने यह भी कहा है कि सिर्फ इस गांव से ही नहीं, हम तमाम गांव में स्वयं आम आदमी पार्टी का प्रचार करेंगे और इस बार नवाबगंज से आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। इस सभा में पार्टी के पदाधिकारी वहीद अहमद अंसारी, एडवोकेट हारून अंसारी, एडवोकेट कश्यप, वसीम खान आदि सभा में शामिल हुए। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। बहुत होते हैं और लेकिन यूपी में उन्होंने 300 यूनिट रखा है। 300 यूनिट में लगभग 80% जनता आ जाएगी। इसमें क्या होता है, वो कैसे फ्री करेंगे? इसमें देखिए पिछली बात में भी बहुत घोटाले होते हैं। 300 यूनिट तक जब आपकी बिजली फ्री होगी, आपको बिजली विभाग के चक्कर नहीं लगाना है। बिजली विभाग अपनी कितनी अच्छी सेवाएं देता है ये सब आप जानते हैं। उन्हीं घोटालों को खत्म करने के लिए ही उन्होंने ये प्लान किया। पिछले बकाया बिलों के नाम पर बिजली विभाग के पास आप जाएंगे, कहेंगे आधा हमें दे दो, आधा तुम दो, मैं सब रफा रफा कर दूंगा। होता है कि नहीं होता? होता है। और एक बात बताइए कि यहाँ से बिजली दिल्ली में सस्ती क्यों है? भाई दिल्ली भी तो हिंदुस्तान में ही है, कोई हिंदुस्तान के बाहर तो नहीं है। या दिल्ली में बिजली कहीं विदेश से तो नहीं आ रही है? इसी देश से जो उत्पादन हो रहा है बिजली का, वही बिजली दिल्ली भी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में हम महंगी बिजली क्यों ले रहे हैं? ये कहां पर कमी है? नियत की कमी है, ईमानदारी की कमी है। जब एक ही देश के दो राज्य हैं, जब एक सीएम ईमानदार है वहां का, जब सीएम ईमानदार होता है तो वो अपनी पब्लिक के लिए वहीं पर बिजली कम पैसों की यूनिट में क्यों दे रहा है? ये सोचने की बात है। और हम यहाँ उसके जब